नमस्कार, मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। लगभग 4 सालों से एक मेडिकल स्टोर का संचालक भी हूं। अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, आपने नया मेडिकल स्टोर खोला है, खोलने की सोच रहे हैं, अभी सर्च कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आज की इस वीडियो में मेरे बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि मैंने नया मेडिकल स्टोर खोला है, 5 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, 4 महीने हुए हैं, सेल नहीं हो पा रही है, प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, तो क्या मैं जगह चेंज कर दूं या वेट करूं, क्या करूं? तो आज की इस वीडियो में इसी बात को लेकर के मैं अपनी राय आपके सामने रखने वाला हूं। देखिए, क्या होता है कि मेडिकल स्टोर बेसिकली 2 प्रकार के खोले जाते हैं। पहला होता है जो आप सेल्फ खोलते हैं। सेल्फ मतलब आप कस्टमर आपके पास खुद से आएंगे, आप उनको अपने हिसाब से दवाइयां देंगे या पर्चा लेकर के आएंगे। और दूसरा होता है आप किसी डॉक्टर के साथ में खोल रहे हैं, मतलब वहां पर पर्चे की सेल हो रही है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आसपास हो या फिर आप कोई डॉक्टर बैठाते हो अपने पास। तो पहला हो गया बिना किसी डॉक्टर के, और दूसरा हो गया डॉक्टर के साथ में। अगर आपने खोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने डे वन से खोला है, आपकी डे वन से अच्छी खासी सेल होगी, क्योंकि डिपेंड करेगा डॉक्टर की कितनी ओपीडी है, उनके कितने पर्चे आपके पास आते हैं। तो अगर आपके पास डॉक्टर है, आपको टेंशन की आवश्यकता नहीं है, आप दुनिया के कहीं कोने में खोल लीजिए, अगर डॉक्टर साहब अच्छे हैं, उनके पास पेशेंट अच्छे हैं, तो आपका हमेशा बहुत बढ़िया स्थिति रहेगी, अच्छा सेल रहेगा। लेकिन जिन लोगों के पास डॉक्टर नहीं है, जो लोग बिना डॉक्टर के मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं, उनके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है। पहली चीज, पेशेंस, क्योंकि आपके पास हो सकता है शुरुआती दौर में बिल्कुल भी पेशेंट ना आए, कोई आपसे दवा मांगने ही ना आए, आपकी बिक्री 200, 300, 150, 250 भी ना होने पाए। ऐसा हो सकता है कि लगातार 4-6 महीना चले, लेकिन आपको उस जगह फ्रस्ट्रेट नहीं होना है और बहुत संयम से काम लेना है, बहुत शांति से काम लेना है। और शांति से काम लेने का मतलब ये नहीं कि आप सो जाओ, आप ये सोचो कि अरे नई दुकान है तो अभी कम सेल होगा, तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना है। जब आपकी सेल कम हो रही है तो उस समय आपको संयम से काम लेकर के, शांत होकर के चीजों को ऑब्जर्व करना है कि आखिर इसका रीजन क्या है। रीजन मेरी दुकान नहीं है, लोग अभी मुझे कम जानते हैं इसलिए मेरी सेल नहीं हो रही है, या फिर यहाँ पर उतनी ज्यादा पब्लिक गैदरिंग ही नहीं होती है कि मेरी सेल नहीं हो पा रही है, या फिर यहाँ के जो ऑडियंस है, जो यहाँ के लोग हैं, जो जनता यहाँ की है, वो मुझे ही डिसलाइक कर रही है, मुझे ही बाईपास करके जा रही है। रीजन क्या है आखिर, क्यों मेरे पास अभी सेल नहीं हो रही है? 4-6 महीने आपके पास सेल नहीं, ऑब्जर्व चीजों ऑब्जर्व करना है। आता है कि आप नए हैं इसलिए कस्टमर का मान लोगे कम है, तो आप ऊपर फोकस कीजिए, नए कस्टमर को ऐड कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए। वहां पर पब्लिक गैदरिंग ही हो रही है तो आपको भाई साहब 1 साल वहां पर समय देना है, उसके बाद आपको अपना लोकेशन चेंज कर देना चाहिए।